17 मिनट में 5 किलोमीटर निकालना है, क्योंकि फिर नो एंट्री लग गई 7 बजे, एक्यूरेटली नो एंट्री स्टार्ट होती है। तो बोल नो एंट्री में फंस गए, पूरा जाम लग गया शहर में, तो ट्रैफिक वालों ने पकड़ा, वो भी बाइक पे चल रहा है आगे आगे में। भाई अगर रास्ता पता भी नहीं होता है ना, प्लीज गलत मत बताया करो, क्योंकि चलो फिलहाल हम चाय पी लेते जल्दी से जल्दी तो निकल जाते, अभी तक काफ़ी बारिश भी गिर रही थी और जो जो शाहिद भाई है वो अभी सोया है, तो ये देखो यहाँ से वेलकम टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पखवाड़ा, और ये आवाज़ आ रही है मानो ठीक ही है, अगर पंचर होगा फिर आवाज़ नहीं आएगी। जो मेवात के ड्राइवर है ना वो गाड़ी क्यों लहराते हैं ऐसा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल सिटी एक्सप्रेस, आई होप आप सब अच्छे से होगे, बढ़िया होगे, तो करते आप सबको आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम और करते व्लॉग स्टार्ट। तो ये अपना शहनशाह पीछे खड़ा किया, तो पूरी रात चल रहे थे जैसे कि आपको पता ही है, कल शाम को कार्रवाई छोड़ी थी वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने पार कर ली, तो अभी मतलब पूरी रात चल रहे थे, अभी टाइम आ गया सुबह के 6, अपना शहनशाह यहाँ पर खड़ा किया, अभी सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सोचा यहाँ पे चाय पिएगी, और आज ये काफ़ी टाइम के बाद जो हो रही गाड़ी है बिलाल भाई की जान, ये देखो ये अपनी दूसरी गाड़ी आज एक ही साथ जा रही है, एक ही साथ चल रहे, आज हम मतलब मानो एक दो महीने के बाद फिर से एक साथ जुड़ गए। तो चलो फिलहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है, निकलते यहाँ से जल्दी, क्योंकि जो किरान का माल है ना इसमें मंडी का टाइम होता है, जल्दी पहुँचाना पड़ता है, इसलिए भाई जो है ये बिलाल भाई की गाड़ी चला रहा है। क्या नाम है आपका भैया? साहिद। साहिल भाई का नाम है ये? साहिद नाम है, गांव मठियापुर है, और भाई तहसील हतीन है। पूरा एड्रेस दे दूं? हां पूरा एड्रेस दे दो। स्टेट हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट पालवल, स्टेट हरियाणा। चलो ठीक है, तो ये बिलाल भाई के साथ चल रहा है, तो चलते करते आज दिन की शुरुआत यहीं से, ठीक है? मतलब इसने मुझे भी थोड़ा रेस्ट दे दिया 2-3 घंटे, मतलब मैं भी 3 घंटे सोया तब तक ये बाइक चला रहा था गाड़ी का सफर, मतलब स्टार्ट। तो मतलब कोशिश यही रहेगी कि आज रात को हमें मंडी पहुंचानी है गाड़ी, तो जो बिलाल भाई की गाड़ी है वो चल रही है आगे आगे। जम्मू चल रहे, कंटिन्यू जम्मू पहुंच गए, तो मैं उसको साहिल भाई को बोल रहा हूँ आगे कहीं होटल पे गाड़ी साइड में लगा दे, क्योंकि यार थोड़ा चाय वाय पिएगे और मुंह धोएंगे, क्योंकि अभी तो मुंह भी नहीं धोया, अभी फिलहाल अपना सफर ना कंटिन्यू ही जा रहा है। तो मैं थोड़ा सोया फिर से 1-1.5 घंटा, क्योंकि जो भाई है ना उसको नींद ही नहीं आ रही है, मतलब उसकी वजह से थोड़ा आराम कर पाते हैं। आ गया खाना बनाने का, तो खाना भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, अभी चावल बन रहा है, पहुँचने वाले अभी हम डमटाल, तो वहाँ पे वो बिलाल भाई वेट कर रहा है, वो हमारे से आगे ही चल रहा है, वो वहीं पे वेट कर रहा है, वहाँ से ले लेंगे सब्जी, अच्छे से बनाएंगे सब्जी, तो फिर मैं बनाऊँगा सब्जी वब्जी। तो अभी देखो गाड़ी चला रहा है अपना शाहिद भाई, जो कि मेवात में रहता है, जिसे मैंने आपको सुबह मिलाया। तो शाहिद भाई ये मेवात की गाड़ी, जो मेवात के ड्राइवर है ना वो गाड़ी क्यों लहराते हैं ऐसा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। शौक है लहराने का, शौक है, पर हमें तो डर लगता है यार। उनको नहीं लगता, वो मेवात का हैवी ड्राइवर होता है। मेवात का हैवी ड्राइवर है, और क्या, तुम कभी ऐसी गलती ना करना ठीक है, हम डरते हैं यार। मैं? हाँ। चलना कर। ओ नहीं ऐसा नहीं कर रहा भाई, अभी किया था ना मैंने पीछे से, तू बैठा था उधर। ओ मैं तो सोया था, मुझे कहाँ पता चला, नहीं पता चला, नहीं। मैंने उठाया था गाड़ी एक साइड से पूरा। ओ नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए यार, चलो अब नहीं करूंगा आगे से। चलो ठीक है, तो ये शाहिद भाई है जो कि मेवात में रहता है, जो बिलाल भाई की गाड़ी चला रहा है, तो आज वो भी हमारे साथ में ही है, जो कि मैंने सुबह के टाइम शायद आपको दिखाई। तो चले उम्मीद यही रखेंगे, कोशिश यही रखेंगे आज रात को हम इंशाल्लाह अपने मुकाम पे मंडी में पहुँचेंगे आराम से, इसलिए हम अभी कोई स्टॉप नहीं ले रहे, तो वहीं पर डमटाल पर थोड़ा सा स्टॉप ले लेंगे, वहाँ पर क्या करना है, एक तो चाय पिएंगे और सब्जी ले लेंगे। भाई नहीं होता है तो शायद मुझे आज भी मतलब मैं वीडियो नहीं डाल पाता, क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। मतलब अभी देखो शाहिद भाई अभी गाड़ी चला रहा है, मेरा हेल्प कर रहा है, अपना तेल वेल भी हो गया, डमटाल पार करके निकल गए, अभी टेरिया पहुँच गए, तो अपना चावल मैंने बना दिया, तो अभी मैं सब्जी बना रहा हूँ, तो चिकन वहाँ से लाया है, वो मैंने यहाँ पर ट्राई करके रखा हूँ, अपना सब्जी बिरयानी वगैरह जो भी सामान होता है, ये मुकेरिया है जो पंजाब में ही पड़ता है, तो उसी के मतलब चलती गाड़ी में अब एक तो ये काम कर रहा हूँ, उसी के साथ अपना वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ, यहाँ से आपको नजर आ रहा है, देखो ये यहाँ से वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ, तो शाहिद भाई अभी गाड़ी चला रहा है। भाई ये धंधा ही ऐसा, इतना खाना खाने को टाइम नहीं मिलता कभी कभी, तो ऐसा होता है, तो इतनी बड़ी गाड़ी अकेला यार, मतलब
ये भाई एलपी नहीं, ये बड़ी गाड़ी है 12 चक्का। हाँ, ऊपर से मंडी का माल जल्दी होता है, कच्चा माल है मंडी का। अगर सूखा माल होता है जब तो टाइम होता है बहुत, तब तो गाड़ी खड़ी करके कर लेते हैं। 3:30 तो खाना खाने के लिए यहाँ पे 4 गाड़ी एक साथ हम रुके। आगे नाफी भाई की गाड़ी है 1174, जिसके साथ में पिछले साल वहाँ पटना गया था, और बिलाल भाई की गाड़ी और अपना चाचा। अब बस पैर वैर चेक कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे खाना, क्योंकि पैर को चेक करना है। पर अपना चाचा ना आज पूरा गंदा हो गया, क्योंकि रात को बारिश पड़ी, उसको थोड़ा मिट्टी चढ़ गई। ये छोटे छोटे पत्थर है ना, यही निकालने हैं, ये निकालने पड़ते हैं जरूर। और ये आवाज़ आ रही है, मानो ठीक ही है, अगर पंचर होगा फिर आवाज़ नहीं आएगी। छोटे छोटे पत्थर है ना, यही निकालने हैं, ये निकालने पड़ते हैं जरूर। और ये आवाज़ आ रही है, मानो ठीक ही है, अगर पंचर होगा फिर आवाज़ नहीं आएगी। और उस्ताद तेरा क्या हाल है, तू वो सीट वगैरह बंद कर, उस पर सब्जी है वो नीचे उतार, उनको बोल कहाँ पर खाना खाएंगे। ये देखो भाई, ये पत्थर जो है ना, ये निकालने पड़ते हैं। ठीक है, और इसमें ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये जो गेप है ना, इसमें पत्थर पत्थर फंस जाता है ना, इसकी वजह से टायर भी ब्लास्ट हो सकता है। और ग्रीस व्रीस भी गाड़ी को की वहाँ पे अच्छे से। अब तो बस ठीक है, अब वो शाहिद भाई सोएगा, अब मैं चलाऊँगा गाड़ी। ये देखो पीछे से रसे वसे ना पूरा डीले हो। अभी टाइम आ गया 5:30, तो चल रहे कंटिन्यू, अभी पहुँच गए फगवाड़ा। वहाँ से खाना खा के निकले तो तब से यहाँ तक अभी कंटिन्यू सफ़र जा रहा है। तो अभी जो शाहिद भाई है वो अभी सोया है, तो ये देखो यहाँ से वेलकम टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फगवाड़ा। अभी लुधियाना रह गए यहाँ से 43 किलोमीटर, और अभी शाहिद भाई यहाँ पे सोया है, क्योंकि ये पूरी रात सोया नहीं। यार इंसान तो सारे हैं, नींद तो हर किसी को आती है। आप कोई बोलेगा मुझे नींद नहीं आती है, मुझे वो नहीं होता है, मैं 4 दिन गाड़ी चलाऊँगा 5 दिन, नहीं ये गलत बात है भाई, नींद हर किसी को आती है। अब कोई बोलेगा मुझे नहीं आती है, नहीं ऐसा नहीं होता है यार, जान हर किसी को है। ठीक है, तो अभी शाहिद भाई आराम कर रहा है, क्योंकि अभी तो काफ़ी सफ़र है, मानो यही मुझे अभी लग रहा है, यही रात के 3-4 बजे तक हम, मतलब वही तो टाइम है, 4 बजे ही सुबह के टाइम मंडी लगती है, तो तब तक तो हम पहुँचने चाहिए। इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि जो बिलाल भाई की गाड़ी है उसका रसा ढीला हुआ था, वही टाइट कर रहे थे, तो देखो पसीना गिरना आ गया। वरना तो आज इतनी गर्मी नहीं थी, पर रसा टाइट कर रहे थे बिलाल भाई की गाड़ी को, इससे इतना पसीना आ गया। तो अभी हम पहुंच गए जो अंबाला का टोल टैक्स है वो पार करके, दोनों गाड़ी साइड में की, क्योंकि अभी हम प्लान कर रहे हैं, मतलब शामली से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां से हमें मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऊपर से टाइम भी काफ़ी हो गया, मंडी करना तो बहुत ही मुश्किल है मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। ये बिलाल भाई की गाड़ी है, इसको मुरादाबाद जाना है, तो मुझे मुरादाबाद से आगे जाना है कम से कम 30 किलोमीटर, जगह का नाम रामपुर है, तो वहाँ मैं गया था 1-2 साल पहले। तो अब यहाँ पे हम चाय पिएंगे, चाय पी के निकले के अब यही डिसाइड किया कि अब हम उसी रास्ते से निकले के, क्या बोल रहे हैं, जो जिस रास्ते से हम वहाँ से भर के आए थे ना, वो पेपर रोल जो सहारनपुर की तरफ से रोड जाता है मुजफ्फरपुर, उसी रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ से तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं अब हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो चलो फिलहाल हम चाय पी लेते जल्दी से जल्दी, तो निकल जाते। अभी तक काफ़ी बारिश भी गिर रही थी, और जो शाहिद भाई सोया था वो भी उठा अभी अभी, अब वो चलाएगा गाड़ी, बिलाल भाई अब रेस्ट कर लेगा और खाना वाना लगा के रखेगा। अब तो शाहिद भाई की ड्यूटी आ गई, पर मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो अकेला ही चलना पड़ेगा। ओके, फिलहाल चाय पी लेते। सो गाइज, अभी हमने यहाँ अंबाला से टर्न ले लिया, तो यहाँ से देखो सहारनपुर का बोर्ड नज़र आ रहा है, 92 किलोमीटर अभी यहाँ से सहारनपुर है। तो क्योंकि हमने इसलिए ये रोड चुना, हमने सोचा शामली मेरठ वाले रोड से हमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम मानो बहुत कम है, मानो जो मंडी है वो नो एंट्री में, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं मतलब जल्दी से जल्दी पहुँचने की, क्योंकि फिर तो नो एंट्री में फंस जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए। अभी बस मैं चल रहा हूँ आगे आगे, बिलाल भाई की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। तो क्या ही बोलो यार, कितनी नींद आ रही है। तो अभी टाइम आ गया रात के 1:14, तो अभी हमने मुजफ्फरपुर पार कर लिया, तो अब बस यहाँ से रह गए मानो 180 किलोमीटर रामपुर मंडी, जहाँ पे मतलब हमें गाड़ी लगानी है। तो बिलाल भाई को मुरादाबाद, तो बिलाल भाई को तो मुरादाबाद में ही छोड़ना है, पर मुझे तो उससे आगे जाना है, क्या बोल रहे हैं, रामपुर, वहाँ से बस 30-35 किलोमीटर की फ़र्क है। बस यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, मैंने सोचा टायर वेयर चेक कर लेंगे अच्छे से, तब से तो चल रहे थे खींच के गाड़ी,
क्योंकि आज ना बहुत टाइट मंडी लग गई, गाड़ी के ऊपर से रस्से वस्से सारे ढीले हो गए, तो मैं सो मुझे डर लग रहा है कहीं वहाँ से वो डब्बा वब्बा ना गिर जाए, तो अब मैं कर दूँगा टायर वेयर अच्छे से क्या, तो वो छोटू को भी उठाए, इसको बोला खाना खाओ फिर सो जाओ आराम से, तो अब खा लेते खाना यहाँ ही से और निकलते जल्दी से जल्दी, अब तो बस लास्ट आवर है अब टाइम ना वेस्ट करते, अब पहले खाना ही खाते उसके बाद निकलते, इंशाल्लाह हम टाइम पे पहुँच जाएंगे, कोशिश यही रहेगी। फिलहाल तो मुझे नींद काफ़ी आ रही है, क्या ही बोलो। तो पहले आप सबको मेरी तरफ से और एक गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप तो गुड मॉर्निंग ही बोल देंगे। अभी टाइम आ गया सुबह के 5:50 मानो, तो अभी हम पहुंच गए मुरादाबाद। अब बस बिलाल भाई मतलब फाइनली पहुंच गया अपने मंडी में, तो बिलाल भाई पहुंच गए, इसको बस थोड़ा ही है, अब ये मंडी ढूंढ रहा है, मानो इसको तो यहाँ ही का माल है। मुझे अभी यहाँ से है कम से कम 30-35 किलोमीटर रामपुर, जहाँ मतलब जिस मंडी का मुझे माल है, तो क्या ही बोलो यार। ऊपर से नींद भी काफ़ी हो गई और पूरी रात चल रहे थे, मतलब हालत ही ख़राब हो गई। अभी मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ और आप क्या सुनोगे, मैं क्या समझाऊँगा। तो चलो क्या करें यार, ये तो नहीं अपना काम है, तभी तो बोलता हूँ ना कि रेस्पेक्टेड ट्रक ड्राइवर। मैं क्यों बार बार लिखता हूँ रेस्पेक्टेड ट्रक ड्राइवर, यही लिखता हूँ क्योंकि जब बंदा कोई अपनी आंखों से देखता है ना, मतलब क्या क्या देखना पड़ता है, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी मैं मंडी पहुँचने वाला हूँ, तो वहाँ पे वो फिर बोलेगा आपने वो किया ये किया, मतलब क्या अपनी जगह ना बहुत फील होता है फिर यार, बाकी कुछ नहीं। चलो ये मुकद्दर अपना अपना नसीब अपना अपना, ठीक है। चलो पहुँचते हैं, फिलहाल बिलाल भाई जाएगा अंदर मंडी में और मैं निकलूँगा सीधे। ओ यार आराम से, पर बारिश ने ना मूड ख़राब कर दिया, बारिश की वजह से फिर चलने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नज़र नहीं ना आता है आगे। क्या आया जो मुरादाबाद सिटी में से निकल जाता है तो आगे हाईवे से टच होता है, तो हम इस वाले रोड से भी आ सकते हैं, पर हम तो वहाँ अंदर वाले रोड से आए, तो आपको पता ही होगा। तो इससे पहले जब मैं आया था 1-2 साल पहले, तो मैं इसी डायरेक्ट इसी रोड से आया था। तो अब बस यहाँ से रह गए 17 किलोमीटर अपना रामपुर, तो वो पार्टी वाले भी फ़ोन कर रहे, बोल रहे जल्दी से जल्दी अब लाओ, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो गया, 6:20 हो गए सुबह के, तो बारिश अभी भी नहीं रुक रही है बाहर से, तो अब यार नींद ना काफ़ी आ रही है। अब ये 17 किलोमीटर ना ऐसे लग रहे हैं जैसे 100 किलोमीटर निकाल रहे हैं। आगे 6:40, तो अभी हम हाईवे से यहाँ रामपुर की तरफ काट ले रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ से बोर्ड नज़र आ रहा है रामपुर रुद्रपुर नैनीताल, तो अभी यहाँ से मैप पे मुझे दिखा रहा है 3.8 किलोमीटर अभी मैं रामपुर है, तो मैंने मंडी की लोकेशन नहीं दी, अब बस मानो 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे। बन गया तो अभी देख सकते हो, अभी 6:43 टाइम आ गया, तो 7 बजे नो एंट्री लग जाएगी। अभी 5 किलोमीटर है यहाँ से मंडी, यहाँ से मैंने अंदर की तरफ टर्न ले लिया, तो जितना हो सके उतना जल्दी करना है, क्योंकि यहाँ मतलब नो एंट्री लग जाए फिर सारी जो कल से परसों से मेहनत की सारी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अब गाड़ी को थोड़ा दबा लेते हैं वहाँ तक, 5 ही किलोमीटर आप बस बच गए, तो अभी 5 किलोमीटर अभी यहाँ से कितना टाइम रह गया, तो मानो 17 मिनट में 5 किलोमीटर निकालना है, क्योंकि फिर नो एंट्री लग गई 7 बजे एक्यूरेटली नो एंट्री स्टार्ट होती है, तो फिर मतलब बिल्कुल भी गाड़ी को नहीं जाने देते हैं अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी को दबा देता हूँ वहाँ तक, कोशिश करेंगे। अब तो इतनी मेहनत करके आए यार, आज तो फंस गए यार, किस्मत ही ख़राब था, वो नो एंट्री में फंस गए, पूरा जाम लग गया शहर में, तो ट्रैफिक वालों ने पकड़ा, वो भी बाइक पे चल रहा है आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ,
अब पता नहीं क्या होगा, पर भाई अगर रास्ता पता भी नहीं होता है ना, प्लीज गलत मत बताया करो, क्योंकि एक भाई ने वहाँ पे बोला लेफ्ट मोड़ो, एक रास्ता तो मुझे याद था, उसने बोला नहीं यहाँ से आसान हो जाएगा, पर ये नहीं बोला अंदर से सीटी है, उसकी वजह से देखो क्या मसला हो गया। तो चलो देखे क्या होगा मुकद्दर में, अब बस ये छोड़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने मंडी पहुंच गए, तो कैसे शुक्रिया करो इस ऊपर वाले को, रीच इट सेफली, थैंक यू सो मच। तो अभी देखो बाहर का मार्केट मंडी का, आप लगाते हैं अपनी गाड़ी, देखते हैं किस पार्ट पे लगानी होगी। ये देखो भाई आप, अरे यार ट्रैफिक वाले देख के ना, मतलब मैं बहुत डर गया अभी यार, देखो मतलब हालत क्या होगी, इतनी मेहनत करके आए, देखो कितना पसीना अभी भी गिर रहा है। तो चलो फिलहाल गाड़ी लगाते हैं, देखते कहाँ पर लगानी है गाड़ी अपनी।